बताइए सर, और अगर इस लोगो के बारे में अगर कुछ बात करना चाहें आप। सबसे पहले तो मैं ये दोनों भाइयों को मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। थैंक यू। बोथ ऑफ देम आर वेरी क्लोज फ्रेंड्स एंड जस्ट लाइक यंगर ब्रदर्स टू मी। शायद मैं इन दोनों से बड़ा हूँ या हूँ। एग्जैक्ट। सो माय हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ देम फॉर एंटरिंग इनटू अ न्यू वेंचर, इनटू न्यू इनिशिएटिव। आई कॉन्ग्रेचुलेट बोथ ऑफ देम एंड माई बेस्ट विशेस आर विद देम फॉर दिस न्यू इनिशिएटिव। तो ये कुछ प्रोडक्शन करने वाले हैं मीडिया में, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया है या एंटरप्रेन्योर की दुनिया है या एजुकेशन की दुनिया है, वो सारी चीज़ों में इन नए सिरे से दोनों भाई इसमें एंटर कर रहे हैं। एक साइड में फिल्म वाला है, एक साइड में पॉलिटिकल साइंस का इंटेलेक्चुअल है। सो दिस इज़ एन एंटायरली डिफरेंट कॉम्बिनेशन विच आई हैव गेट टू सीन फ्रॉम मेनी वर्ल्ड्स। सो माई बेस्ट विशेस फॉर this venture to both of them. Yeah, thanks. गिरीश सर, जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। जैसे सर ने ऑलरेडी बता दिया है लोगों के बारे में, थोड़ा सा बताइए कि कब ये थॉट आया कि इसमें भी शुरू करना चाहिए हमें प्रोडक्शन भी। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले आप सभी लोगों का धन्यवाद जो बर्थडे के दिन इतने सारी तादाद में आए हैं। मैं आपको बता दूं कि एक तो मेरी पहली कंपनी थी एंटिटी वन एंटरटेनमेंट, जिसमें हम फिल्मों को डिस्ट्रीब्यूट करते थे और मार्केट करते थे। उसके अलावा एक कंपनी हमारी लोकोत्तरा प्रोडक्शंस, जिसके साथ हमारा जय भीम शॉर्ट वीडियो ऐप लॉन्च हुआ है, जो दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति कर रहा है। सारे लोगों की ज़ुबान में हमारा ऐप है और वो ऐप भी सक्सेसफुल रहा है। अब ये जो हमारी तीसरी कंपनी है जिसमें हम दोनों भाइयों ने मिलके शुरू की है, हरीश वानखेड़े, गिरीश वानखेड़े, मैं इसका नाम वानखेड़े ब्रदर्स इसलिए रख रहा हूँ कि हम दोनों वानखेड़े ब्रदर्स हैं। और इसमें हम फिल्मों को प्रोडक्शन करेंगे, वेब सीरीज क्रिएट करेंगे और साथ ही साथ वो कंटेंट क्रिएट करेंगे जो कमर्शियली ओटीटी पे भी हो या थिएट्रिकल भी हो। सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं राइट, लेकिन जैसे गिरीश कह रहे थे कि इतना बड़ा ये स्पेस है और इस स्पेस में इतनी सारी नई इनोवेटिव चीज़ें हो रही है, तो सिनेमा ऑफकोर्स हम दोनों का पैशन रहा है बचपन से। तो इस फील्ड में जिस तरह से गिरीश ने इससे पहले डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग की है, वही एक इनलार्ज करेंगे, प्रोडक्शन में आएंगे, अपनी खुद की फिल्में करेंगे, खुद के वेब सीरीज़ करेंगे। तो मेरा बहुत एक्साइटमेंट है और गिरीश के साथ जुड़ने से ज़्यादा अच्छा और कुछ हो नहीं सकता। थैंक यू। गिरीश सर, कौन से प्रोजेक्ट लाइन अप है, अगर उस बारे में कुछ शेयर करना चाहेंगे? इस वक्त मैं बहुत सारी चीज़ें रिवील नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो प्रोजेक्ट्स हम लोग लेकर आ रहे हैं उसमें वो प्रोजेक्ट्स रहेंगे जो जो अम्बेडकर फिलोसॉफी को प्रमोट करती है, ऐसे प्रोजेक्ट्स की तरफ हम ध्यान देने वाले हैं। एक ऐसी कहानी को हम लेकर आ रहे हैं जो एक बॉक्सर की कहानी है, तो किस तरीके की कहानी है जो कास्ट कॉन्फ्लिक्ट और कास्ट कॉन्फ्लिक्ट को लेकर चले, इस तरीके की सोशली रिलेवेंट फिल्में हम बनाएंगे। हम उन फिल्मों को बनाएंगे जिन फिल्मों में हम अम्बेडकरवादी फिलोसॉफी को लेकर आ सके, जहां पर हम बुद्धिज्म को प्रमोट कर सकें। सर इसके अलावा जो सिनेमा का दौर चल रहा है वो तो आपको पता ही होगा क्योंकि आप ट्रेंड को लेकर भी बहुत जानकारी रखते हैं, तो उस चीज़ को लेकर कितना ध्यान रखने वाले हैं कि ऑडियंस तक ये फिल्म पहुँचे, उनको ये पसंद आए और स्पेशली कंटेंट ऑडियंस को पसंद आए, क्योंकि अभी जो ऑडियंस सिर्फ कंटेंट वाला सिनेमा पसंद कर रही है। एग्जैक्टली। देखिए, कंटेंट की समझ है मुझे और मुझे हमेशा ये लगता है कि एक ईमानदारी का कंटेंट जो कि दर्शकों तक रिलेट हो जाए, ऐसे कंटेंट को अगर आप प्रोड्यूस करते हो तो उसको एक्सेप्टेबिलिटी रहेगी। आज जो कंटेंट हम देख रहे हैं उसमें 80% वो कंटेंट है जो प्रोजेक्ट्स है, जो बेसिकली फिल्में नहीं होती, प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं। पहले स्टार को साइन किया जाता है और बाद में स्क्रिप्ट लिखी जाती है। हम वो नहीं करने वाले। हम इस वक्त कम से कम 1.5 से 2 साल सिर्फ स्क्रिप्ट पर ही काम कर रहे हैं। जब स्क्रिप्ट के ऊपर हमको कॉन्फिडेंस आएगा उसके बाद ही हम पूरी तरीके से प्रोडक्शन में एंट्री लेंगे। गिरीश सर, एक सवाल मेरा भी है आपसे कि दिवाली पर दो बड़ी फिल्में क्लैश हो रही है, थैंक गॉड और राम सेतु आज जो है अनाउंस हो चुकी है, तो क्लैश क्या बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दिवाली पर रिलीज करने की? कितना सही है दोनों? बिल्कुल सही है। ये क्लैश हमारे देश का इतिहास है। अगर आपको याद होगा तो गोलमाल और फैशन एक साथ रिलीज हुई, तो गोलमाल और फैशन दिवाली की फिल्म है। अब गोलमाल कॉमेडी, फैशन सोशल रिलेवेंट फिल्म और दोनों सुपरहिट थी। तो कई बार ऐसे फिल्म ऐसे हुआ है कि जब भी बड़े क्लैशेस हुए हैं दोनों फिल्में सक्सेसफुल रहेंगे। और इसमें सबसे बड़े उदाहरण तो अगर आपको होगा तो दिल और गदर, अगर तो दिल भी आई थी गदर आई थी, दोनों सक्सेसफुल फिल्में थी। तो कई फिल्में ऐसी होती है जो क्लैश हो, और उन क्लैश में सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है
कि अपने देश में 5,500 सिनेमाघर है, वो सिनेमाघर 2 सक्सेसफुल फिल्मों को एक्सेप्ट कर सकता है, इसलिए अगर दोनों रिलीज होगी तो कोई किसी का भी नुकसान नहीं करेगी, दोनों सुपरहिट होगी। कोविड के बाद क्या लगता है, दौर थोड़ा सा बदला है पिछले एक फिल्म देखा भी आई थी? थोड़ा सा इसलिए बदला है क्योंकि लोगों को OTT के कारण एक इंटरनेशनल एक्सपोजर मिला है, और ये अच्छी बात है। अगर इंटरनेशनल एक्सपोजर के बाद लोग सिनेमा लिटरेट होने लगे हैं, अच्छे कंटेंट को समझने लगे हैं, एक अच्छा बदलाव है। सर इसके अलावा ऑन अ लाइटर नोट, आज आपका जन्मदिन है, किस तरह का सेलिब्रेशन होने वाला है? हम देख रहे हैं फ्रेंड्स एंड फैमिली तो आए ही है, लेकिन कैसे सेलिब्रेट करना पसंद करते हैं आप अपना जन्मदिन? मैं हमेशा अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करता हूँ अपने फैमिली के लोगों के साथ, अपने खास दोस्तों के साथ, और आज मुझे बड़ी खुशी है कि डॉक्टर कदम यहाँ हैं, निखिल सर यहाँ हैं, ये मेरे फैमिली का पार्ट है। उसके अलावा जो मेरा स्टाफ है, जयभीम का स्टाफ, तनुज है, आशीष है, पूर्ति है, भाविनी है, श्वेता है, सुशांत है, इतने सारे जो लोग मेरे स्टाफ में हैं, ये सारे के सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। मेरी फैमिली से मेरी सिस्टर आई हुई है, मेरी पत्नी है, यहाँ सारे लोग यहाँ पर है। इससे ज़्यादा बड़ा सेलिब्रेशन मैं और नहीं मानता, अपने फैमिली के साथ मैं इसको सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। और साथ ही साथ बहुत सारे फिल्म मेकर्स हैं, हैरी भाई आए हैं, और बहुत सारे लोग, अनूप जी ने मुझे अभी जस्ट विश किया, मनोज वाजपेयी सर ने विश किया, निहारिका भी आने वाली है, उसके अलावा सारे ही सेलिब्रिटीज़ ने अपने विशेज दिए हैं, इसलिए ये सेलिब्रेशन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। सर आपको वानखेड़े बिजनेस मीडिया में किस तरह का कंसेप्ट लेकर आप आना चाहते हैं, शॉर्ट फिल्म या लॉन्ग फिल्म या वेब सीरीज, उसके बारे में अगर कुछ बता? फीचर फिल्म में, हम प्रॉपर फीचर फिल्में करेंगे, वेब सीरीज करेंगे और प्योरली कमर्शियल करेंगे, लेकिन इन फिल्मों में सोशल रिलेवेंस होगा, ये वो फिल्में होगी जिसमें हम अपनी बात को कह सकें, ये बात। गिरीश सर को हमने देखा है, लेकिन बिहाइंड द कैमरा आपका क्या रोल होने वाला है कंपनी में? बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है जैसे निखिल सर ने बताया, तो उसको आगे लेके कैसे आप जाने वाले, क्या स्ट्रेटजी बनाई है आपकी तरफ से? जैसे गिरीश के भी कह रहे थे ना कि सोशली रिलेवेंट सिनेमा होना बहुत ज़रूरी है आज के तारीख में, तो वो जो सोशल रिलेवेंट कंसेप्ट है, जो आइडियाज़ है, वो इन जनरल एकेडमिक से आते हैं, लिटरेचर से आते हैं, तो उसका जो रिसर्च है, जैसे गिरीश कह रहे थे कि 2 साल हम लोग सिर्फ स्क्रिप्ट पे काम करेंगे, तो स्क्रिप्ट पे काम करना, आइडियाज़ को इलेबोरेट करना और उसको अच्छे एक्सचेंज में देखना, ये जो काम है उसका बहुत बड़ा भागीदारी मेरे पर रहेगी, जिम्मेदारी मेरे पर रहेगी, और वो एक बेसिकली अभी तक का वो काम हम लोगों ने सॉर्ट आउट किया है। सर लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे जो बर्थडे विशेस आपको आई है और हमारे थ्रू, क्या क्या कहना चाहेंगे उनको? मैं सारे लोगों की तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे विशेस दिए हैं। ये सारे वो लोग हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे फैमिली के मेंबर्स हैं, मेरे कलीग्स हैं, मेरे सारे काउंटर पार्ट्स हैं, जितने लोगों ने मेरे साथ काम किया है, सारों की विशेस यहाँ आई है, सारे की दुआएं आज मुझे मिल रही है, मुझे बड़ी खुशी हुई है। मैं सारे लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ और सबसे कहना चाहता हूँ कि ऐसा ही प्यार और स्नेह बनाए रखें। थैंक यू। हाँ जी, कैसे विश करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का बॉन्डिंग शेयर करती है आप उनके साथ? तो गिरीश सर के साथ मेरा बहुत ही स्पेशल बॉन्ड है। जब मेरी फिल्म वॉरियर सावित्री रिलीज हुई थी तो वो पहले डिस्ट्रीब्यूटर थे जिन्होंने सारे ट्रेड मैगजीन्स में उसका रिव्यू किया था, और उन्होंने बहुत मदद की थी PVR और बाकी भी सारे सिनेमाज के साथ उसका टाई अप करवाने में। तो मेरे लिए वो बहुत स्पेशल रहेंगे हमेशा, क्योंकि वो मेरी पहली फिल्म थी जिसमें मैं लीड कर रही थी, और उस समय बहुत इनोसेंट थी, नाइव थी, यंग थी, लेकिन उन्होंने सब कुछ संभाला और आगे बढ़ाया, तो आई ऑलवेज विल रिस्पेक्ट गिरीश सर फॉर दैट। आज उन्होंने अपना वानखेड़े ब्रदर्स प्रोडक्शन हाउस खोला है, तो ऑल द बेस्ट फॉर दैट। हरीश जी को भी और गिरीश जी को भी मेरे सारी शुभकामनाएं, क्योंकि प्रोडक्शन करना आसान काम नहीं है, हमने देख लिया है, तो आई होप कि इनके प्रोडक्शन हाउस को भी बहुत ज़्यादा कामयाबी मिले आगे जाके। एंड हैप्पी बर्थडे फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइक हैप्पी बर्थडे गिरीश जी, आई होप यू लिव वेरी लॉन्ग एंड स्टे हैप्पी एंड कीप राइटिंग। मैं तो नहीं कह सकती, लेकिन अगर गिरीश सर मुझे बुलाएंगे तो मैं ना नहीं बोलूँगी। आफ्टर सूर्यवंशी अब मैंने साइन की है IB71, संकल्प रेड्डी की फिल्म है जिन्होंने गाजी अटैक बनाई, तो उनकी अगली पिक्चर में मैं हूँ, तो IB71 शायद इस साल या अगले साल रिलीज हो जाएगी, उसमें विद्युत जामवाल, अनुपम खेर जी हैं, दिलीप ताहिल है, तो आई एम वेरी एक्साइटेड। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट डे फॉर अस, व्हाई? बिकॉज़ गिरीश हैज आफ्टर लॉन्ग eating in cinema industry decided to launch his media house today. We will be producing films, web series and other stuff around. So we are very happy that Vankhede Brothers. Yeah, Vankhede Brothers. Sure. So we are very happy that stalwarts of the film industry is also with us. Harsha is production company. Right. So of course we are looking for great talents around.
And as in the earlier press conference, Girish also suggested that this media house will be mainly about socially sensitive cinema, which will be different from the mainstream masala cinema. So that is the larger idea of this production. चलिए बधाई और ये हमारे पुराने दोस्त हैं और मैं तो ये सोच कर रहा था कि सिर्फ इनका बर्थडे है, यहाँ आया तो पता चला कि नहीं मामला थोड़ा right. ज़्यादा बड़ा है। बहुत बहुत थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और पहली कुछ आप तीन फिल्म लॉन्च कर रहे हैं, आगे कभी हमारी भी फिल्म। शो सर व्हाई नॉट, तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग। थैंक्स लॉट फॉर इनवाइटिंग मी एंड कांग्रेचुलेशन। थैंक यू ने कहा कि सोशली रिलेवेंट टॉपिक को ये लोग चूज करने वाले, आपको लगता है कि इन दिनों जिस तरह सिनेमा का दौर चल रहा है उसको लेके मतलब इस तरह की कोशिश की जानी चाहिए? भाई जिसको कोशिश करनी है वो करे, सबकी अपनी अपनी मर्जी है, सब अपनी अपनी तरह की फिल्में बनाते हैं, देखने वाले भी हैं, तो हर किसी को कोई ना कोई देखने वाला मिल जाता है, कि बनाने वाले मिल जाते हैं, तो आज का दौर कल के दौर से क्या। एंड मेनली बिकॉज ऑफ दौर तो आते जाते रहते हैं, उनके हिसाब से थोड़ी जी आ जाता है, आप वो करेंगे जो आपको करना है और आप करते रहेंगे अगर आप कर सकते हैं, और नहीं तो फिर आगे जाके कुछ और सोचेंगे, कुछ प्लान चेंज करेंगे, तो ये तो लगा रहता है। सर आपके अगर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में, अरे इनकी कंपनी लॉन्च हो रही है, आप मेरे अपकमिंग प्रोजेक्ट का जाने की क्या करेंगे? ना कर चुके जो स्टार, अभी एक अनदेखी सीजन 3 आएगा, अभी आघात करके फिल्म की शूटिंग चल रही है, सिख्या और धर्मा का अंडर प्रोडक्शन है, तो ये तो काम है, बाकी सब शूट वूट चल रहा है। साथ ही नया प्रोडक्शन हाउस भी लॉन्च किया है, क्या कहना चाहेंगे प्रोडक्शन हाउस के बारे में और किस तरह का बॉन्डिंग शेयर करते हैं? बड़ी खुशी की बात है, दो चीज़ें एक साथ हो रही हैं, मेरे दोस्त का बर्थडे भी है। गिरीश वानखेड़े मेरे 20-22 सालों से मित्र हैं और मेरे दुख सुख अच्छे बुरे कामों में वो हमेशा साथ रहते हैं, और ये जो आज इन्होंने वानखेड़े ब्रदर्स करके अपनी कंपनी खोली है तो मेरी तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। ऑब्वियसली गिरीश इतने सालों से मीडिया के जानकार रहे हैं, मीडिया में काम करते रहे हैं, सिनेमा जानते हैं, तो वो डेफिनेटली अच्छा काम करेंगे। प्रोडक्शन हाउस जो उनका है वानखेड़े ब्रदर्स, वो अच्छी फिल्में बनाएगा, एंड ऑब्वियसली आई विल बी विथ हिम, किसी न किसी तरह से साथ में हम लोग ज़रूर रहेंगे। आई विश माई वेरी वेरी बेस्ट है। गिरीश जी को सबसे पहले आप बर्थडे में आई वॉन्ट टू विश हिम अ वेरी 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 ग्रेटेस्ट हैप्पी बर्थडे टू हिम। आने वाला साल, आने जो बीत गया है उससे भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो, और आई एम 100% श्योर कि ये प्रोडक्शन हाउस विद गिरीश, बिकॉज गिरीश को बहुत नॉलेज है फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, उसने फिल्में बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूट की है, बहुत सारे फिल्मों के साथ गिरीश का जुड़ाव रहा है, और एक एक्सपीरियंस्ड एंड अ वेरी गुड एक्सपीरियंस्ड पर्सन गिरीश है, और बहुत अच्छा प्रोड्यूसर बनेंगे गिरीश। एंड मेरे विश हमेशा गिरीश के साथ है, आई नो हिम फ्रॉम मेनी मेनी ईयर्स नाउ, एंड आई स्टार्टेड माई बॉम्बे इनिंग्स विद गिरीश वानखेड़े, एंड आई एम हियर टुडे, सो आई वॉन्ट टू विश हिम ऑल द बेस्ट, एंड अच्छी अच्छी फिल्में बनाएँ, अच्छे अच्छे म्यूज़िक वीडियोज़ बनाएँ, जो भी बनाएँ बहुत शान से बनाएँ, और आई वॉन्ट टू विश हिम ऑल द बेस्ट। जय माता दी, एंड आई विश दुर्गा पूजा, हैप्पी दुर्गा पूजा टू ऑल ऑफ यू हु आर गोइंग टू वॉच दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। जी सबसे पहले तो मैं उनको शुभकामनाएं देने चाहूँगा, गिरीश जी बहुत सालों से हमारे साथ है, हमने साथ में बहुत काम किया है, आज एक वानखेड़े ब्रदर्स मीडिया की तरफ से वो नई अपनी कंपनी स्टार्ट करें तो मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छा करेंगे इसमें कोई, और मैं हैरी फर्नांडिस अपनी तरफ से उनको शुभकामनाएं दे रहा हूं, और वो बहुत आगे बढ़े, क्योंकि वो आगे बढ़ेंगे तो ज़रूर हमको भी उससे बेनिफिट होगा, और फिल्म इंडस्ट्री में लोगों को भी उनका बेनिफिट होगा, मेरी तरफ से उनको ढेर सारी शुभकामनाएं।